मैं प्रदीप साहू, आज आपको अलाइनमेंट का एक ड्रिल बता रहा हूँ, जिसमें हमारा लोअर बॉडी है वो स्टेशनरी है, हमारा जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनका स्ट्रेंथ थोड़ा छोटा रहेगा और दोनों पैर एक लाइन में रहेंगे, ज़्यादा एंगुलर नहीं रहेंगे, जितना कोशिश हो सके एक लाइन में रहें। और हमारा शोल्डर जो है, फ्रंट शोल्डर है, वो टूवर्ड्स टारगेट रहेगा और जो शोल्डर रोटेशन जो हमारा रहेगा दोनों का, ये शोल्डर से ये शोल्डर दोनों, ये फ्रंट शोल्डर टारगेट पे है और आपका बॉलिंग आर्म का शोल्डर टारगेट पे आना है और वर्टिकुलर आर्म ये ऊपर से नीचे आए ऐसे, और ये दोनों पैर स्टेबल रहेंगे, उठेगा नहीं पीछे वाला पैर, जिसमें ये टारगेट की तरफ रखा और शोल्डर रोटेशन ऊपर से नीचे, यही ड्रिल है। हमने इसमें ये पैर नहीं उठाना है, छोटा स्ट्राइड रखना है, शोल्डर को टारगेट की तरफ रखना है और फिर रोटेट करके दूसरे शोल्डर को टारगेट को फिनिश करना है सिर्फ आर्म। और रिस्ट स्पिनर्स को क्या करना है, रिस्ट स्पिनर्स को थोड़ा सा एंगुलर करना है और थोड़ा स्ट्राइड बड़ा करना है और शोल्डर को टारगेट की तरफ और थोड़ा साइड ऑन, ये अभी ऊपर से नीचे था, ये हल्का सा साइड ऑन, और दोनों पैर उठेंगे नहीं, सिर्फ फिनिश करना है हाथ के साथ ऐसे, ठीक है। एक बॉल में डाल के दिखाता हूँ, देखो ऐसे लिया, शोल्डर रखा, वो टारगेट और पैर नहीं, सिर्फ शोल्डर रोटेशन के बाद, ठीक है। हमने दोनों को ब्रेक कर दिया, नीचे और ऊपर डाला, तो हमें ऊपर वाले पे फोकस करना है, नीचे वाला स्टेशनरी रखो, पहले शोल्डर रोटेशन पे बात करते हैं। आई वांट टू थ्री बॉयज, इधर आके करो, दो तीन जन इधर आ जाओ, अरे यार और ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे, साइड से नहीं, ऐसे नहीं, ये पैर उठेगा, समझ में आया, करके दिखाओ, ये पैर नहीं उठेगा, शोल्डर का मैक्सिमम रोटेशन, शोल्डर का मैक्सिमम रोटेशन, इसको रोटेट होने दो, शाबाश, वो हाथ को फिनिश होने दो, ठीक है सर, ठीक है। म्हणजे थोडं स्टिफनेस मुळे ना, आता आपल्या वयामुळे स्टिफनेस बरी झाली, त्याच्यामुळे ते बेसिक लोअर बॅक ही कोण के साइड में रहेगा, कमर घेऊन और सेम दोनों पैर जमीन पे रहेंगे, फॉर्म रहेंगे, उठेंगे नहीं, शोल्डर रोटेट करेंगे, आपके टारगेट की तरफ रहेगा, स्टे हो, स्टे हो, और मेक श्योर दैट अगर कोई हमें ये थोड़ा सा साइड से करना है, थोड़ा साइड, ये ऑफ स्पिनर के लिए ऐसे था ऊपर से नीचे, इसमें ऊपर जाना है लेकिन थोड़ा साइड से, सेट 12 o'clock है तो 11 o'clock, ठीक है। अगर वॉच है तो उसमें ये 12 है, ये 11, तो साहा बॉल, साहा बॉल थोड़ा साइड से, थोड़ा साइड से, एक जन, आई वांट समबडी टू बी ऑन द अदर साइड, लेफ्ट आर्म स्पिनर कितने हैं, नहीं ये ज़्यादा ऐसे साइड नहीं होगा, इसे नज़दीक रहेगा, देखिए लेकिन बाहर की साइड थोड़ा, ये यहाँ से ऐसे, और पैर दोनों फॉर्म रहेंगे और नीचे चले, करके दिखाओ एक लेग स्पिनर, पीछे बॉल के बाद रोटेट होते नहीं, तुम ही तिकड़े, हाँ नीचे, हाँ क्यों, शोल्डर का रोटेशन जितना मैक्सिमम हो सकता है करो, चाइना मैन के लिए और सेम यही है, एक लेग ये कौन के पीछे, फ्रंट लेग ये कौन के साइड में, फिर सेम रोटेट करें, ये शोल्डर टारगेट की तरफ और ये हाथ से शोल्डर साइड से थोड़ा फॉलो करें, वेरी नाइस बॉल।